जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। अपना ऑटोबायोग्राफी का जो है मेरा सिलसिला है उसको दोबारा आज से शुरू करते हैं। आज जो है मैं सन 2000 और उससे आगे की बात आपको बताता हूं। और बाकी सिर्फ 12 साल हैं तो कोशिश करता हूं उसको ब्रीफली जो है वाइंड अप कर लूं ताकि फिर बाकी टॉपिक्स पे बात हो सके। अब सन 2000 के अंदर जो है मेरी लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि मेरे कज़न हैं प्रताप राय रूपानी, जो कि इस वक्त यहाँ कनाडा में टोरंटो में मेरे साथ उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस पे हम हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि हमारा घर जो है 6th फ्लोर पर है और उनका घर जो है वो 32nd फ्लोर पर है, तो जाने में जो है एलिवेटर में हार्डली जो है 2-3 मिनट ही लगते हैं। तो अब प्रताप राय जो है उनके साथ मेरा रिश्ता जो है बचपन से लेकर है, एक ही गांव में एक ही जगह पर जो है जन्म लिया था, इकट्ठे ही बड़े हुए थे। और क्लास में सिर्फ ये फ़र्क है कि मैं एक क्लास उनसे आगे था और वो एक क्लास पीछे थे, तो इसी तरह सारी ज़िंदगी भर का साथ रहा है। तो उनके बारे में अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर फिर डिटेल में सारी बात होगी। लेकिन उनका वो माइग्रेट होकर जो है कनाडा आ गए यहाँ टोरंटो सन 2000 के अंदर, तो उससे मेरे पे और मेरी फैमिली के ऊपर ख़ास फ़र्क ये पड़ा कि हम लोग उनके यहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना था। उस वक्त उनका जॉब जो है स्टील कैडेट कॉलेज में था, स्टील मिल में था, और वो वहाँ पर जो है इंजीनियर थे। तो जब भी छुट्टी होती थी, चाहे वो फिर समर वेकेशंस हो या विंटर वेकेशन हो या ईद की छुट्टी हो या दिवाली की छुट्टी हो, जो भी छुट्टी होती थी, तो कभी हम उनके पास चले जाते थे और कभी वो हमारे पास आ जाता था। तो इस तरह जो है वो काफ़ी फैमिलीज़ जो है उनका गेट टुगेदर होता था और बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। उनके जाने से जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक किस्म का खला पैदा हो गया, जो कि मेरी रिटायरमेंट तक जो है 12 साल तक रहा। और उसके बाद जो है वो पूरे इस तरह हो गया कि सन 2013 में जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर आ गए, तो फिर जो है वो खला किसी हद तक हम दोनों के लिए तो पूरा हो गया। लेकिन फैमिली जो है, मेरी बेटी भी चूँकि यहाँ पर है, फिर बेटा भी आ गया, फिर छोटी बहू भी है, तो काफ़ी हद तक वो मामला जो है वो बेहतर हो गया और पूरा हो गया। और अभी हम आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में बात जो है वो अलग से उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा तो होगी। उसके बाद सन 2003 में जो है प्रताप राय जो है आए, वापस जो है पाकिस्तान आए यहाँ पर, और उनका विज़िट जो है वो भी था। और उसके साथ साथ जो है सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि प्रताप राय का बेटा है अजीत राय रूपानी और मेरी बच्ची जो है छोटी, उनकी आपस में 2003 में जो है वो मंगनी हो गई। अब वो प्रताप राय ने रिश्ते के लिए बात की और हम उनको इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते थे और बहुत सूटेबल जो है रिश्ता था हमारे लिए और उनके लिए भी, तो वो इस तरह से ये रिश्ता हो गया। तो प्रताप से जो है एक और रिश्ता मेरा हो गया जिसे आप समधी का रिश्ता कह सकते हैं। उसके अलावा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो वो फिर मैं आपको उनके बारे में अलग जब वीडियो बनाऊंगा तो वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद 2004 में जो है, सन 2004 में जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि मेरी छोटी बेटी जो है उनकी शादी हो गई और दूल्हा और उनकी वालदा जो हैं वो टोरंटो कनाडा से आए वहाँ पर पाकिस्तान, और इस तरह मेरी बच्ची की शादी हो गई। तो ये भी हमारी फैमिली लाइफ में जो है समझें बहुत बड़ा इवेंट था। अब आपको पता है कि
जो लोग माँ बाप हैं उनको पता है कि बेटी की जब शादी हो जाए तो पेरेंट्स जो है उनको वो कितना ज़्यादा मुतमैन होते हैं या खुश होते हैं। तो छोटी बेटी की शादी हो गई, उससे पहले जो है बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, तो अब जो है बाकी एक छोटा बेटा था उसकी भी शादी, फिर हमने आगे जाकर सन 2010 में उसकी भी शादी हो गई थी। और फिर 2005 में मेरी छोटी बेटी जो है वो एक साल के बाद तकरीबन जो है वो फ्लाई करके टोरंटो चली गई। तो अब बेटी, बड़ी बेटी पहले ही जा चुकी थी, छोटी बेटी भी चले गई, तो घर के अंदर जो है आप समझें कि पीछे जो है अब मैं था और मेरी बेगम थी और मेरा छोटा बेटा था। घर के अंदर तीन फर्द थे और मेरा बड़ा बेटा था और उसकी फैमिली थी। तो इस तरह ज़िंदगी का जो है मामला चलता रहा। और फिर 2005 आ गया और 2005 में ही जो है वो हम लोगों ने फैमिली का जो है एक ट्रिप जो है अरेंज किया, और जिसमें मेरी फैमिली थी, मैं था, मेरी बेगम थी, मेरा छोटा बेटा था और मेरी बड़ी बेटी जो है उनकी फैमिली थी, और कुछ और हमारे रिश्तेदार जो है वो भी उस ट्रिप में शामिल हुए। और हम लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज को घूमने के लिए गए 2005 में, और तकरीबन एक हफ्ते या 8 दिन का ये दौरा था और बड़ा अच्छा रहा। पहले पहले हम जो है वो लाहौर गए, उसके बाद फिर मरी गए, नथिया गली और आसपास के जितने भी वहाँ इलाके हैं, घोड़ा गली है, और फिर हमने 2-3 दिन के बाद जो है ट्रिप आगे अरेंज किया, जिसमें हमने गाड़ी हायर की थी और फिर एबटाबाद और सईपाए और नारान कागान और ये पूरी वादी जो है तकरीबन 2 दिन का वो आगे का ट्रिप था, और सारा इस तरह पूरा इलाका जो है घूम कर आया और बड़ा उसको इन्जॉय किया। था वो ज़िंदगी का एक समझें कि यादगार ट्रिप रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जो है सन 2007 में जो डेवलपमेंट हुई कॉलेज के हवाले से, वो ये हुई कि कमोडोर मोहम्मद आबिद सलीम जो है वो प्रिंसिपल की हैसियत से जो है उनका तबादला हो गया और उनकी जगह पर जो है कमोडोर मोहम्मद असलम राणा जो है वो प्रिंसिपल बनकर आ गए, कमांडेंट बनकर आ गए। और कमोडोर मोहम्मद असलम राणा भी जो है चूँकि एक्स कैडेट थे, तो उन्हें भी जो है वो आपको पता है, जैसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आदमी पिटारियन होता है या पिटारो से पढ़ा हुआ होता है और फिर प्रिंसिपल अगर बन जाता है ऑफिसर, तो फिर उसको काफ़ी पता होता है कैडेट्स की साइकोलॉजी का और उनकी जो भी पॉइंट्स होती हैं, क्या उनको किस तरीके से जो है मॉनिटर किया जा सकता है या उन्हें किस तरीके से बेहतर एजुकेशन दी जा सकती है। तो इस तरह फिर कमोडोर मोहम्मद असलम राणा जो है वो भी तकरीबन 4 साल तक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। और फिर 2007 की एक और जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात स्पेशली मेरे लिए ये हुई कि कॉलेज के अंदर जो है मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया पेरेंट्स डे के ऊपर। और तमाम टीचर्स को पता है कि बेस्ट टीचर का अवार्ड जो होता है तो उसकी क्या अहमियत होती है या उसको कितनी स्पेशली उस टीचर के लिए जो है उसका अहमियत जो है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुझे 2007 में अवार्ड किया गया और उसकी बाकायदे पूरा एक जो है कमेटी होती है, और डेफिनेटली कमांडेंट का जो है उसका भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें ताकि कॉलेज के सारे सीनियर टीचर्स जो हैं वो फिर मिलकर और पूरा बोर्ड बनाकर कमेटी बना के इसका फैसला करते हैं, जिसमें नाम होते हैं टीचर्स के और फिर उनमें से किसी भी एक टीचर को जो है वो पिक किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है 2010 में मेरा छोटा बेटा जो है मनोज कुमार
जो कि अयूब हाउस के कैडेट हैं, उनकी 2010 में शादी हो गई, और उनकी शादी भी जो है वो मीरपुर खास में मेरी कज़न हैं जो कि प्रताप राय की बहन हैं, उनकी बेटी के साथ हुई। और फिर मेरे बेटे का जो है वलीमा और सारे फंक्शंस वगैरह सब कॉलेज में हुए, बहुत अच्छे तरीके से हुए। इसी तरह बेटी और उससे पहले जो है बेटा और बेटी, सबकी शादियां कॉलेज के अंदर ही हुई, और सारे अरेंजमेंट कॉलेज के ही कोऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन से हुए। तो इस तरह जो है छोटे बेटी की भी शादी हो गई, और वो छोटा बेटा और उसकी फैमिली जो है अभी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ टोरंटो के अंदर रहते हैं। 2011 में जो डेवलपमेंट हुई कॉलेज में, उसमें ये हुआ कि कमोडोर मोहम्मद असरम राणा जो हैं वो अपना 4 साल का टेन्योर पूरा करके कॉलेज से जो है वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, और फिर उनकी जगह पर जो है कमोडोर मोहम्मद अफजल मलिक जो है वो प्रिंसिपल बनकर आए। और उनको एडवांटेज ये हासिल था कि वो उससे पहले जो है वो 92 में, और शायद उससे 1-2 साल आगे पीछे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, कॉलेज के एजुटेंट भी थे। तो जो जो ऑफिसर जो है कॉलेज का एजुटेंट रहा हो, उसे एडवांटेज ये होता है कि वो उसे काफ़ी पता होता है ऑलरेडी कॉलेज के माहौल का और सारी चीज़ों का। एजुटेंट की पोस्ट भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो खुद चूंकि फिर प्रिंसिपल बनकर आ गए, तो उनके लिए जो है वो चीज़ें काफ़ी सहल होती हैं या काफ़ी इजी होती हैं। और फिर उससे ही अगले साल में जो है 2012 में जो है मैं कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बन गया। टेन्योर तो बहुत थोड़ा था, तकरीबन 3.25 महीने या 3.5 महीने था, लेकिन सारे कैडेट्स को पता है कि किसी भी टीचर का जो है कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बनना जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है टीचर के लिए, और बच्चे भी जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उसके पास जो है वो कॉलेज की पूरी एकेडमिक्स और पढ़ाई के मामला जो हैं सारे उसके हवाले होते हैं, और वो एक किस्म से प्रिंसिपल का जो है वो सेकेंड एंड आप समझें कि नंबर 2 पे उनकी पोस्ट होती है। और भी काफ़ी ड्यूटीज़ होती हैं जो उसके ज़िम्मे होती हैं, और मेरे वाइस प्रिंसिपल बनने का जो ख़ास एक बात हुई थी वो ये थी कि मेरा दोस्त जो है मेरा मोहसिन फयाज़ अहमद ख़ान कायम खानी जो है वो टंडो जानवामन से स्पेशली जो है वहाँ से टैक्सी करा के और मिठाई लेकर और हार लेकर स्पेशली जो है वो पिटारो आया था, और वो कहता था कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जो है वाइस प्रिंसिपल की कुर्सी पर जब बैठा हुआ है तो कैसा लगता है और क्या है। तो वो आया और वो सीन जो है बड़ा इमोशनल था, और वो फयाज़ के बारे में अलग जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर ज़रूर उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़िक्र करूंगा। तो स्पेशली वहाँ पर आए, मुझे दफ्तर में देखा, बहुत इमोशनल हुए, आंखों में पानी आ गया उनके भी और मेरे भी। तो देट वॉज क्वाइट एन इमोशनल सीन। और फिर कुछ अरसे के बाद ही जो है वो 19 मई 2012 को जो है वो मैं कॉलेज के सर्विस से जो है वो रिटायर हो गया, और मेरा 35 साल का टेन्योर जो है वो इस तरह ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद जो है बाकी की आगे की बात जो है 2012 से लेकर और आज 2020 तक, मतलब ये 8 साल का पूरा पीरियड जो है उसके बारे में डिटेल जो है वो फिर अगले वीडियो में आपको ब्रीफ करके सारा बताऊंगा। और अगर मैंने ये सारी बातें काफ़ी जो है ब्रीफली करके बताई हैं, और फिर इसके बाद जो है डिटेल में जो है चीज़ों के बारे में अलग अलग टॉपिक एक एक जो है उस पर अलग जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये आपने वीडियो देखें तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें और उससे रिलेटेड या कोई बात, तो कोई भी अगर मेरे से पूछेंगे तो वो मेरे लिए उसमें ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और मैं बेहतर तौर पर इसको बना सकूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए।
और आपको अगर आपका मन भाए तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड भी करें। और बाकी जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से हमेशा आपको जो मशवरा देता हूँ, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। और उसको अब आपको पता है इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्क के अंदर, तो अपना और अपने सब फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।